आज हम आपको पोबी गांव में अवस्थित नरसिंह भगवान का मंदिर दिखा रहे हैं। पोबी गांव झारखंड राज्य के गिरिडीह जिला के जमुआ प्रखंड में अवस्थित है। अभी आप नरसिंह भगवान का मंदिर देख रहे हैं। इस मंदिर का निर्माण वर्ष 1830 में तीन भाइयों श्री दुर्गा प्रसाद, श्री महाराज सहाय और श्री विष्णु प्रसाद ने करवाया था। इस मंदिर में लगे हुए नाम पट्ट से मालूम हुआ कि इन तीन भाइयों को नरसिंह भगवान की कृपा प्राप्त हुई थी। उस कृपा के गुणगान के रूप में उन तीनों भाइयों ने मिलकर इस मंदिर का निर्माण करवाया था। यह मंदिर उस समय के वास्तुकला का नायाब नमूना है। इस मंदिर की दीवार की ईंटों को सरखी और चूना के माध्यम से जोड़ा गया है, जो काफी मजबूत है। इस मंदिर की हर ईंट को काफी खूबसूरती से जोड़ा गया है। ईंटों के जोड़ में कहीं भी एक सुराख तक नहीं है और सभी जोड़ एक सीध में हैं। मंदिर में दीवार के कोनों को काफी सफाई से जोड़ा गया है, जिसमें सूत भर भी अंतर नहीं है। चारों कोने एक समान हैं। मंदिर का शिखर भी काफी खूबसूरती और सफाई से बनाया गया है। लाल ईंटों से बना हुआ यह मंदिर काफी खूबसूरत दिखाई देता है। यहाँ मंदिर में दो पूजा गृह बने हुए हैं और एक कमरा है। एक पूजा गृह में भगवान शिव और उनका परिवार स्थापित है और दूसरे में नरसिंह भगवान, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के अवतार स्थापित हैं। एक कमरे में शायद कोई रहता है। मंदिर परिसर में भगवान हनुमान की मूर्ति भी स्थापित है। ऐसा मालूम होता है कि यह मूर्ति यहाँ बाद में स्थापित की गई थी। पूरा मंदिर ईंटों से बना हुआ है, जिसमें कहीं भी लोहा या लकड़ी का इस्तेमाल नहीं किया गया है। केवल दरवाजा ही लकड़ी का बना हुआ है। दरवाजे में लकड़ी का बना हुआ चौकट काफी नक्काशीदार है। फाटक साधारण है। ऐसा मालूम होता है कि पुराने फाटक के टूट जाने पर दूसरा फाटक लगवाया गया है। चौकट की मोटाई लगभग 8 इंच और चौड़ाई 10 इंच है। फाटक की मोटाई लगभग 2.5 इंच है। मंदिर के भीतरी भाग में छत और दीवार पर काफी खूबसूरत नक्काशी बना हुआ है। नक्काशी में नीला, हरा, सफेद और कत्था रंग का प्रयोग किया गया है। ये सभी रंग प्राकृतिक चीजों से बनी हुई हैं। लगभग 195 वर्ष बीत जाने के बाद भी मंदिर के नक्काशी में काफी चमक है। मंदिर के बाहरी और भीतरी दीवारों को काफी कलात्मकता के साथ हुनरमंद कारीगरों द्वारा बनाया गया था, जिनकी कला की छाप पूरे मंदिर में दिखती है। मंदिर के बाहर एक कुआं भी है, जो मंदिर में लगे हुए ईंटों से मेल खाता है। मंदिर के नजदीक ही मंदिर निर्माताओं के भवन और भवन के अवशेष हैं। ये भवन भी काफी खूबसूरती से बनाए गए हैं। मंदिर के ईंट को देखने से मालूम होता है कि मंदिर के ईंट को विशेष रूप से बनवाया गया था, क्योंकि मंदिर और भवन के ईंट एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। पूरा मंदिर देखने के बाद ऐसा मालूम होता है कि इसके निर्माता इसे पूरा नहीं करवा पाए, क्योंकि मंदिर के चारों ओर बाहरी दीवारों पर मूर्ति बनाने के लिए स्थान तो छोड़े गए थे, किंतु किसी कारणवश उसे बनवाया नहीं गया। मंदिर के बाहरी दीवारों के दो कोनों पर मूर्ति का निर्माण हुआ है, जिनमें से एक का कुछ हिस्सा टूट गया है। मंदिर की संरचना उड़ीसा में बने हुए मंदिरों की तरह मालूम होता है। सूर्योदय की धूप सीधे मंदिर के गर्भ गृह में आती है। मंदिर के निर्माण में वास्तु का भी पूरा ध्यान रखा गया है। मंदिर का प्रवेश द्वार पूर्व दिशा की ओर है।
देखरेख के अभाव में लगभग 200 वर्ष पुराना यह ऐतिहासिक नरसिंह भगवान का मंदिर धीरे धीरे समय के चक्र में क्षय होता जा रहा है। मंदिर की दीवारों में कहीं कहीं दरार आ गई है और बाहरी दीवारों में कहीं कहीं ईंटें निकल जा रही हैं। इस मंदिर को संरक्षण की अत्यंत आवश्यकता है। पूरे झारखंड में नरसिंह भगवान के मात्र दो ही मंदिर हैं, जिनमें से एक हजारीबाग जिला में है और दूसरा पोबी स्थित यह मंदिर गिरिडीह जिला में है। पोबी में स्थित नरसिंह भगवान का यह मंदिर पूरे झारखंड के लिए गौरवशाली विरासत है। इस मंदिर की अनदेखी एक ऐतिहासिक विरासत को समाप्त कर देगा। इस मंदिर में जमुआ कोडरमा पथ में पोबी मोड़ के पास से आ सकते हैं। पोबी मोड़ से इस मंदिर की दूरी लगभग 3 किलोमीटर है। इसके अलावा आप जमुआ देवघर मार्ग में मिर्जागंज होते हुए यहां आ सकते हैं। मिर्जागंज से इस मंदिर की दूरी लगभग 4 किलोमीटर है। आपको यह ऐतिहासिक धरोहर अवश्य ही देखना चाहिए। मंदिर तक आने वाला पूरा मार्ग एकल है, यानी सिंगल रोड है। यह मार्ग कुछ दूरी तक सीमेंट का बना हुआ है और बाकी जगह अलकतरा से बना हुआ है। इस मार्ग में आने पर कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं होती है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक का बटन दबाना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।